हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो अपनी बाइक दोबारा से पंचर हो चुकी है बॉस। देख रहे हो टायर टायर की हालत। टायर की हालत देखो, दोबारा से पंचर हो चुकी है। थोड़ी सी बारिश आती है, स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई छोटी मोटी कील घुस जाती है उसमें। और आर एस ए रोड साइड असिस्टेंट ने हेल्प किए, घर पर आके पिक कर रहे हैं। अब इसका कुछ ना कुछ ऑप्शन अपन को देखना पड़ेगा अल्टरनेटिव, क्योंकि स्पोक व्हील से तो काम नहीं चलने वाला अपना। स्पोक व्हील का मतलब है शेर के मुंह में हाथ देना, समझ रहे हो। पंचर होने के बाद इसका वेट जस्ट डबल हो जाता है। और लास्ट अपन लोकल मार्केट में पंचर निकाला था, उसकी वजह से क्या क्या अपन को झेलना पड़ा था वो देख लिया था अपन ने। और अभी दोबारा से जा रही है रॉयल इनफील्ड, तो वहाँ पे जाके इसका टायर वगैरह खुलेगा और वापस से पंचर निकलेगा। तो अपन इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख रहे हैं। पीछे वाला जो अलॉय व्हील है, अपन जो व्हील है जिसमें अपन अलॉय लगाने का प्लान कर रहे हैं, आगे वाला एज इट इज रहने देंगे, पीछे वाले का प्लान कर रहे हैं। टायर यही लग जाएगा। इस ये टायर घिसने के बाद अपन 150 सेक्शन या 160 सेक्शन का टायर पीछे इंस्टॉल करेंगे। अभी जब तक ये चल रहा है टायर, जब तक चलाते हैं। लाइट बंद कर लो। भैया ये वाली प्रॉब्लम इसमें बेसिकली आती रहती है इस बाइक में स्पोक व्हील की वजह से। आप कितनी उठाते हो ये जीटी? बहुत कम उठाते हो। ये अभी तक अपन ने बाइक लिया उसके बाद दूसरी बार पंचर हुआ है ये वाला टायर। चल रहा हूँ मैं दूसरी बाइक से, चल रहा हूँ। देखो गाइस यहाँ पे आ चुकी है अपनी गाड़ी, बेहाल हो रहा है इसका। भाइयों जो पुराना वाला ट्यूब था, इसमें ट्यूब को तो अपन ने कर दिया है डिस्कार्ड, मतलब वो ट्यूब ख़राब था क्योंकि उसकी जो नलकी होती है वो पूरी ब्रेक हो चुकी थी। तो अभी नया ट्यूब लेके आए हम लोग। ट्यूब कौन सा था अपना? C8 का था। तो C8 का ट्यूब लेके आए हम लोग, 120/80 सेक्शन, वो इसमें लग चुका है। और अभी लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। और मेरे हिसाब से ओके रिपोर्ट आनी चाहिए।
सो गाइस यहाँ पर देखो पंचर जोड़ने के लगे 80 रुपए और जो अपने ट्यूब लिया था तो ट्यूब लेके आए सीएट का उसकी कॉस्ट है 350 रुपीस और जो रॉयल एनफील्ड में जो लेबर चार्ज लगा है टायर खोलने का और वापस लगाने का उसकी कॉस्ट है 400 रुपीस तो 400 प्लस 350 प्लस 80 रुपीस इज इक्वल टू अराउंड 800 से ज़्यादा ही हो रहा है तो 800 रुपए के आसपास लग चुका है अपना एक पंचर जोड़ने का और अपना जो टायर था उसका भी शायद वारंटी ख़त्म बता रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम अपने नीचे की तरफ से उसको कुछ लगा दिया था तो ये है सर्विस इसका चार्ज तो भाइयों वापस से रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि इस बाइक को लो तो इसको स्पोक व्हील हटा के अपना जो अलॉय व्हील होता है 17 इंच का उसमें लगा लेना क्योंकि 17 इंच में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको टायर के ठीक है गाइस थैंक यू तो गाइस कल अपन रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर गए थे वहाँ पर उन्होंने बोला वॉशिंग करने में टाइम लगेगा तो अपना यहाँ पर वैशाली नगर में है भारत होंडा सर्विस सेंटर जिसमें अपन ने लास्ट टाइम भी अपनी बाइक को ठीक करवाया था कुछ इशूज आ गए थे तो यहीं पर ही आए दोबारा अपनी बाइक की सर्विस करवाने लाइक वॉशिंग करवाने अपन आए अपनी जीटी पर एक प्यारा सा स्टिकर लगाने का प्लान कर रहे हैं वो खड़े अपनी जीटी सामने तो भैया के पास आए हैं भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें तो देखते हैं रिवील करते हैं लास्ट में फाइनली क्या प्रिंट करवाने वाले हैं पर अपने जो सिंगल सीट है उसके काउल पर कुछ प्लान कर रहे हैं तो वैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं अपन सो देखते हैं फाइनल रिजल्ट पर कैसा होता है ये अपना पूरा बन चुका है ये रेडियम वाला बेसिकली रात में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लिंक करता है और फोर स्टार है यहाँ पे अपना यूट्यूब का लोगो है Shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.
चेक करो भैया कैसा लग रहा है लुक आपको, हैं एक नंबर है ना। तो गाइस चेक करो, ये अपने इससे मैच हो रहा है कम्प्लीटली। और इधर अपने आ गया चैनल का नेम, सो करते हैं इस व्लॉग को बंद। जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू गाइस अगेन, और कीप वॉचिंग, कीप ट्यून, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।